तो इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो केन्या से है। केन्या की संसद में घुसे हैं प्रदर्शनकारी। केन्याई संसद में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। आगजनी में 8 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में यह हिंसक प्रदर्शन हो रहा है केन्या में। केन्या में ब्रेड पर 16% वैट का विरोध किया जा रहा है और इस वजह से संसद में दाखिल हो गए हैं। एक और बड़ी जानकारी है मिल रही है कि केन्या की संसद में आगजनी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। केन्याई संसद में घुसे हैं सैकड़ों प्रदर्शनकारी। संसद भवन की इमारत में आग लगा दी गई है। केन्या में फाइनेंस बिल का हिंसक विरोध हो रहा है। टैक्स बढ़ोतरी से नाराज है केन्या की जनता और इसके विरोध में विरोध दर्ज कराने के लिए संसद में प्रवेश कर गए हैं प्रदर्शनकारी और आग लगा दी है। आगजनी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यहां से भीड़ को भगाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। दरअसल ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है फाइनेंस बिल के विरोध में। टैक्स बढ़ोतरी से नाराज है केन्या की जनता और इस वजह से इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नैरोबी में संसद भवन में घुसे हैं सैकड़ों प्रदर्शनकारी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केन्याई संसद की, जहां से आगजनी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आग लगाई है, यहां पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें नैरोबी में केन्या की संसद की हैं। दरअसल जो नया टैक्स बिल है उसका विरोध कर रही है जनता। बहुत ज़्यादा टैक्स लोगों पर और उसका बोझ बढ़ता जा रहा है, इस वजह से जनता सड़कों पर है। ब्रेड पर 16% वैट लगा दिया गया है और इस तरह की जो तमाम प्रावधान है इस नए बिल में उसका विरोध किया जा रहा है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ केन्या की संसद के भीतर से किस तरह से आग लगी है और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर किस तरह से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं केन्या में। केन्या के संसद भवन की इमारत में किस तरह से आग लगाई गई है वो तस्वीरें आप एक तरफ देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ आगजनी में 8 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। किस तरह का यह हिंसक प्रदर्शन है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग इस हिंसक प्रदर्शन में घायल हो गए हैं। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। क्या रूस और अमेरिका में जंग का आगाज हो सकता है? दो महाशक्तियों में अगर युद्ध छिड़ा तो एटमी विनाशकों का इस्तेमाल क्या हो सकता है? आखिर ये आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं? तो इसके पीछे की वजह है काला सागर में पुतिन का बारूदी इंतकाम। 1830 करोड़ की लागत वाले अमेरिकी ड्रोन का शिकार। दरअसल बीती रात ब्लैक सी में रूस के आसमानी जंगबाजों ने अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया। इतना ही नहीं, रूस ने इस अटैक के बाद ब्लैक सी को नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया। बस फिर क्या था, कीव से पेंटागन खलबली मच गई। तो क्या इस हमले के पलटवार के साथ ही वर्ल्ड वॉर 3 का ज्वालामुखी फट जाएगा? आप भी देखिए। क्रीमिया फ्रंट पर यूक्रेनी ब्रिगेड को बढ़त दिलाने वाला अपने खुफिया इनपुट से ब्लैक सी में रूसी जंगबाजों और युद्धपोतों की बलि लेने वाला अमेरिकी वायुसेना का आसमानी शिकारी RQ-4B ग्लोबल हॉक, जिसे बीती रात रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमान ने आसमान में ही ढेर कर दिया। बस फिर क्या, जैसे ही ब्लैक सी के आसमान में अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन शॉट डाउन हुआ, उसका मलबा समंदर में जाकर गिरा। इस हमले पर रूसी डिफेंस ने दावा किया कि अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन क्रीमिया की तरफ उड़ान भर रहा था। रूसी डिफेंस ने यूएस के RQ-4B ग्लोबल हॉक को इंटरसेप्ट किया। इसके बाद रूस के MiG-31 फाइटर जेट ने ब्लैक सी में उड़ान भरी और क्रीमिया के एयर जोन में यूएस के ग्लोबल हॉक को मार गिराया।
गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ रूसी डिफेंस ने अमेरिकी RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन को मार गिराने का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया, वहीं अमेरिका ग्लोबल हॉक ड्रोन के शॉट डाउन होने वाली खबरों को खारिज कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर किसके दावे में सच्चाई है? क्या वाकई रूसी फाइटर जेट ने अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया, या फिर अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए इस ड्रोन अटैक की खबर को फैलाया जा रहा है? मगर एक बात शीशे की तरह साफ है कि अगर रूस ने अमेरिका के RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन का शिकार किया है तो ये महाशक्ति अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक लाल सागर में हूती लड़ाके अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन की बलि ले रहे थे, मगर पहली बार रूस ने ब्लैक सी में बाइडेन के RQ-4B ग्लोबल हॉक सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया। दरअसल रूसी डिफेंस का आरोप है कि अमेरिका वायुसेना का RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन क्रीमिया ब्लैक सी में तैनात रूसी सेना की जासूसी करता था। विजुअल सेंसर और हाईटेक कैमरे की मदद से ग्लोबल हॉक ड्रोन यूक्रेनी सेना को रूस के सामरिक ठिकानों का इनपुट देता था। करीब 1830 करोड़ की लागत वाले इस सर्विलांस ड्रोन को कंट्रोल रूम से दो रिमोट पायलट और एक सेंसर ऑपरेटर चलाते थे। बस इसी के चलते रूसी वायुसेना ने पहले तो अमेरिकी ड्रोन को क्रीमिया के पास इंटरसेप्ट किया और फिर हवाई हमले में नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले 14 मार्च 2023 को ब्लैक सी में ही रूस ने अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया था। बीते साल अमेरिका के जिस रीपर ड्रोन का रूस ने शिकार किया, पहले तो उसे 40 मिनट तक घेरा गया, ड्रोन पर लड़ाकू विमानों के जरिए फ्यूल गिराया गया और फिर ड्रोन को मार गिराया गया। मगर इस बार रूसी वायुसेना के MiG-31 फाइटर जेट ने सीधे मिसाइल हमले में अमेरिकी RQ-4B ग्लोबल हॉक सर्विलांस ड्रोन की बलि ले ली। क्योंकि इसी ड्रोन की मदद से यूक्रेनी सेना क्रीमिया, सेवेस्टोपोल और ब्लैक सी में तैनात रूसी जंगबाजों पर हमले कर रहा था, उसे तबाह कर रहा था। एक तरफ क्रीमिया के एयर जोन में अमेरिकी ड्रोन को ढेर किया गया तो वहीं रूसी डिफेंस ने ओडेसा से खार्कीव तक, चासिव यार से खेरसोन तक भीषण तबाही मचाई। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ओडेसा, दो इस्कंदर के क्रूज मिसाइलों से हमला किया, यूक्रेनी सेना का बारूदी गोदाम जलकर राख। खार्की, रूस ने FAB-3000 ग्लाइड बम से अटैक किया, यूक्रेन की नॉर्दर्न मिलिट्री का बेस कैंप तबाह। चासिव्यार, रूसी डिफेंस की कामिकाजी ड्रोन से स्ट्राइक, रिहायशी इलाकों की कई इमारतें ध्वस्त। खेरसोन, 4 FAB-500 एरियल बम से एयर स्ट्राइक, यूक्रेनी सेना की कमांड पोस्ट नेस्तनाबूद हुई। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि पोतन ब्रिगेड का ये प्रहार विनाशक हथियारों से कोहराम असल में 48 घंटे पहले दागिस्तान और सोची में हुई आतंकी हमलों का बदला था। क्योंकि बीते 3 महीनों में दूसरी बार रूसी धरती टेरर अटैक से दहली थी।
आशंका जताई जा रही थी कि दागिस्तान और सोची में हुए अटैक में यूक्रेन या फिर नेटो का हाथ हो सकता है। लिहाजा इसी के चलते रूसी सेना ने ताबड़तोड़ अंदाज में ओडेसा से लेकर खारकीव तक तबाही मचाई। क्रूज मिसाइलों, ग्लाइड बम जैसे विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल किया। रूस की तरफ से किए गए इस पलटवार में सिर्फ यूक्रेनी इलाके ही तबाह नहीं हुए, सिर्फ यूक्रेन के हथियार डिपो, ऑयल गैस प्लांट ही जलकर राख नहीं हुए, बल्कि इसके साथ साथ भीषण नरसंहार भी हुआ। मतलब ये कि अब पुतिन यूक्रेन विनाश तक नहीं रुकने वाले।